प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, यानी जो आयनिक ठोस है, आयनिक जो कंपाउंड है उनकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चरर में हमने जो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, आयनिक जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर कैटायन और एनायन, धनायन तथा ऋणायन होते हैं। वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत आकर्षण बल द्वारा आकर्षित रहते हैं। यानी उसमें धनायन और ऋणायन के बीच में एक आकर्षण बल होता है जिसको हम आयनिक बंध कहा जाता है। उस कंडीशन में जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो प्रत्येक आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा रहता है। धनायन होगा वो ऋणायन के द्वारा, और ऋणायन होता है वो धनायन के द्वारा घिरा रहता है। तो इस प्रकार से जब एक आयन दूसरे आयन से मिलकर के जो बंध बनाता है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कहलाती है। और किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या या उपसंयोजी संख्या कहा जाता है उस पर निर्भर करती है। तो यहां हम कुछ आयनिक कंपाउंड जैसे रॉक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सीजियम क्लोराइड CHCl और कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, इनकी जो संरचना है इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहां पर मैंने लिखा है कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, आयनिक ठोस जो होते हैं, उनमें प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है। मीन्स धनायन है वो ऋणायन के द्वारा, और ऋणायन होता है वो धनायनों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। एक आयन को घेरे हुए विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, जैसे एक धनायन है उससे जुड़े हुए जो ऋणायनों की संख्या, या फिर एक ऋणायन है उससे जुड़े हुए धनायनों की संख्या, वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। और किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या पर निर्भर करती है। अतः धनायनों व ऋणायनों की समन्वय संख्या के आधार पर, कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर जो आयनिक यौगिक होते हैं उसको तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। एक AX टाइप के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इस प्रकार के आयनिक यौगिक में कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो क्या होती है, समान होती है। जैसे 1:1 में, या फिर 2:2 में, या 3:3 में, इस तरह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो उसको हम AX टाइप प्रकार के आयनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, एटसेट्रा। दूसरा AX2 टाइप के आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है 1:2 के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है। और तीसरा AX3 टाइप के आयनिक कंपाउंड, इस प्रकार के आयनिक कंपाउंड में जो कैटायन और एनायन है उसका रेशियो 1:3 रेशियो में होता है। जैसे लिथियम नाइट्राइड LiThreeN है,
ये जो आयनिक यौगिक होते हैं इनकी अलग अलग जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके आधार पर उनकी संरचना होती है। तो अब इनमें से हम जो सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, इनकी आयनिक जो संरचना है, आयनिक जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड या रॉक सॉल्ट की जो आयनिक संरचना होती है उसके अंदर जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है उसकी एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक फलक केंद्रीय घनीय संरचना होती है, जिनमें क्लोराइड जो आयन होता है वो प्रत्येक कोनों पर तथा सोडियम आयन जो होता है घन के प्रत्येक जो अष्टफलक स्तर होते हैं वहां पर स्थित होता है। देखिए यहाँ पर NaCl की जो एफसीसी संरचना है जिनमें क्लोराइड आयन प्रत्येक कोने पर तथा घन के प्रत्येक फलक के अंदर स्थित होता है तथा सोडियम आयन उसकी सभी अष्टफलक की जो स्तर होते हैं वहां पर स्थित होता है। यहाँ पर देखिए आप आयनिक क्रिस्टल NaCl की जो संरचना देख रहे हैं उसका एक पार्ट है आयनिक ठोस NaCl का, जिसमें जो रेड कलर से है वो क्लोराइड आयन है और ब्लैक कलर से है वो सोडियम आयन है। तो यहाँ पर जो सोडियम आयन होता है वो तो ऑक्टाहेड्रल का जो स्तर होता है वहां पर स्थित होता है और उसके जैसे यहाँ पर एक मैंने अलग से स्ट्रक्चर दी है, सोडियम आयन बीच में स्थित है और इसके चार पांच और छह जो कोने हैं इस पर क्लोराइड आयन स्थित होता है। इसी प्रकार एक सीएल होता है वो छह सोडियम आयन से घिरा हुआ रहता है। तो इसका जो रेडियस रेशियो है सोडियम आयन की जो त्रिज्या होती है 0.95 और सीएल माइनस की जो त्रिज्या होती है वो 1.81 होती है। तो ये जो रेशियो होता है वो 0.525 के बीच में प्राप्त होता है। आगे हम इसको रेडियस रेशियो को डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस रेडियस रेशियो 0.525 ये रेडियस रेशियो जो होता है वो 0.414 से अधिक और 0.732 से कम है। तो इसकी जो संरचना होती है जब रेडियस रेशियो 0.414 से अधिक और 0.732 से बीच का है तो उसकी संरचना कैसी होती है, अष्टफलक की संरचना होती है। इसलिए सोडियम आयन और क्लोराइड दोनों प्रकार के आयनों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है, 6 है, यानी कि 6 क्लोराइड आयन एक सोडियम आयन से तथा 6 सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन से 6:6 रेशियो के अंदर एक दूसरे से घिरे रहते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को हम 6:6 समन्वय व्यवस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड के अंदर सीधा ही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि NaCl की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है वो फलक केंद्रीय घनीय संरचना होती है जिसमें क्लोराइड आयन प्रत्येक कोने पर तथा घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होता है और सोडियम आयन होता है वो सभी अष्टफलक की जो स्थल होते हैं साइड होती है वहां पर स्थित होता है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 में अर्थात 6 क्लोराइड आयन एक सोडियम आयन से तथा एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से तथा एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ रहता है। तो इस व्यवस्था को हम 6:6 कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट अगली है स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। देखिए सीजियम क्लोराइड के आयनिक स्ट्रक्चर के अंदर इसमें भी जब एक्सरे किरणों के अध्ययन से पता लगाया कि सीजियम क्लोराइड के अंदर जो रेडियस रेशियो होता है 1.68/1.81 = 0.93,
ये जो रेडियस रेशियो 0.93 इसका मान जो होता है वो त्रिज्या अनुपात जो रेडियस रेशियो 0.732 से अधिक और एक से कम होता है, इसलिए इसकी संरचना कैसी होती है, क्यूबिक होती है, गणीय संरचना होती है। इस क्रिस्टल में सीजियम आयन व क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। यहाँ पर गणीय स्ट्रक्चर के अंदर सोडियम सॉरी सीजियम आयन और क्लोराइड आयन का जो समन्वय संख्या वो 8 होती है, मीन्स प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन से तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयन से घिरा हुआ रहता है। इसका जो कोऑर्डिनेशन रेशियो होता है वो क्या होता है, 8:8 के अंदर। इस क्रिस्टल में सीजियम आयन तथा आगे तो आगे जो कोनों पर सीएल माइनस आयन उपस्थित होते हैं, इस प्रकार दूसरी इकाई सेल के घन के केंद्र में भी सीएल माइनस आयन और आगे के कोनों पर सीजियम आयन उपस्थित होता है। यानी इसके अंदर जैसे यहाँ पर एक सीजियम आयन है तो वो 8 क्लोराइड आयन से और एक क्लोराइड आयन होगा वो आगे कोनों से, इस प्रकार बहुत सारी जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी वो आपस में जुड़ करके एक सीएल माइनस होगा वो 8 सीजियम आयन से घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से जो सीजियम क्लोराइड है उसमें 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंतर्गत इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, क्यूबिक गणीय संरचना होती है। अब हम नेक्स्ट आगे बात करें तो जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है वो निम्न प्रकार से होती है। स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड के अंदर जो इसका जिंक सल्फाइड यानी जिंक आयन और सल्फाइड आयन जो है इसका त्रिज्या अनुपात 0.4 है। ये जो रेडियस रेशियो होता है वो किसको दर्शाता है, ऑक्टाहेड्रल जो व्यवस्था होती है, चतुष्फलक की जो व्यवस्था होती है उसको दर्शाता है। यानी यहाँ पर जो Zn2+ आयन होता है वो 4 सल्फाइड आयन से चतुष्फलक के रूप में, और इसी प्रकार से सल्फाइड आयन एक जो सल्फाइड आयन होता है वो 4 जिंक आयन से घिरा हुआ रहता है। इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो व्यवस्था होती है वो 4:4 यानी 4:4 व्यवस्था होती है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम इनको अलग से संरचना के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक का सोडियम आयन है, इससे 4 सीएल माइनस आयन चतुष्फलक की संरचना में, इसी प्रकार से एक सीएल माइनस होता है वो 4 सोडियम आयन से चतुष्फलक की संरचना के रूप में गिर करके चतुष्फलक की व्यवस्था के रूप में जिंक सल्फाइड आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। CaF2 की संरचना AaX2 प्रकार की होती है। इसमें एक कैल्शियम आयन होता है वो 8 फ्लोराइड आयन से क्यूबिक रूप में घनीय रूप में तथा एक फ्लोराइड आयन जो होगा वो 4 कैल्शियम आयन से चतुष्फलक के रूप से घिरा हुआ रहता है। यहाँ पर कैल्शियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तथा फ्लोराइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेशन जो व्यवस्था होती है उसको हम 8:4 के रूप में व्यक्त करते हैं। इनका जो रेडियस रेशियो होता है त्रिज्या अनुपात होता है वो 0.73, इसलिए इसकी जो संरचना होती है वो क्यूबिक, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल संरचना होती है। तो इस प्रकार से जो आयनिक कंपाउंड है NaCl और जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, तो इनके एग्जाम के अंदर संरचना और रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे जो रेडियस रेशियो यानी त्रिज्या अनुपात और उसकी जो लिमिटेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।